Hello everyone, Namaste. I am Sunanda Shetty. Welcome back to my channel Surya Shorthand Academy. आज मैंने आपको चैप्टर 4 के बारे में अल्टरनेटिव साइन फॉर आर के बारे में सिखाने वाली हूँ. चैप्टर 4 में आर का यूज आएगा. आप शुरुआत में आर दो प्रकार था, एक डाउनवर्ड आर एक अपवर्ड आर. एच भी टू प्रकार था, ये मैं बाद में सिखाऊंगी अपवर्ड डाउनवर्ड. अभी सिर्फ आर और ए का ध्यान दीजिए. आर इनिशियल में कोई भी वॉवेल है तभी डाउनवर्ड आर, एंड में कोई भी साउंड है अपवर्ड आर. फॉर एग्जाम्पल ए और यर, ये और है तो अबव द लाइन, ए रहे तो ऑन द लाइन, ये रहे तो थ्रू द लाइन, ऐसा आएगा. बिफोर आर वॉवेल है तो, और कहें तो ऐसा, आर्मी है तो ये आर्म हो गया, डॉट दिया तो आर्मी, एरोमा एरोमा ए एम है एरोमा, एरे है तो ए अरे. शुरुआत में वॉवेल है तो डाउनवर्ड आर, एरे एरो, ये भी ऐसा है. अगर आफ्टर आ रहे तो रे रो रोड, ये सब वर्ड्स आया हुआ है. सेवेंथ एट नाइन टेंथ एक्सरसाइज में ये वर्ड्स भी है, रे रो रोड रॉड रॉडनी, हाँ अबव द लाइन लिखा है मैं, और ऑन द लाइन वाला सेकंड प्लेस दिया है, ये हो गया. और वैसे ही आफ्टर आर देखो, पैर है तो डाउनवर्ड आर, पैरी है तो अपवर्ड आर, ये डॉट है पैरी, टायर है तो डाउनवर्ड आर क्योंकि इधर वॉवेल नहीं है, टैरी है तो अपवर्ड आफ्टर आर. बिगिनिंग में वॉवेल है तो डाउनवर्ड आर, एंड में वॉवेल है तो अपवर्ड आर. अभी रिपेयर रिपेयर के बाद नहीं है ना, रिपेयर इधर आता है एक वॉवेल, रिपेयर हो गया. रॉबरी रॉबरी के लिए ये रॉब हो गया, आफ्टर आर वॉवेल है, रॉबरी है तो अपवर्ड जाएगा. रॉडनी है तो रॉडनी इधर दिखा है, रॉडनी लिखा है. रोटेरी ये रोट हो गया, री है तो देखो आर के बाद भी ओवेल है, इधर भी ओवेल है. और डेर है तो डेर, डेरी है तो अपवर्ड, मालूम पड़ा. आफ्टर आर ओवेल है तो अपवर्ड आर, बिफोर आर ओवेल है तो डाउनवर्ड आर. अभी मैं वर्ड्स आपको लिख के दिखाऊंगी प्रैक्टिस के लिए. देखिए शुरुआत में एयर शब्द है, बिफोर आर ए साउंड है, डाउनवर्ड लिखना ही है. अब इसमें एरे, डबल स्पेलिंग है आर आर, लेकिन लिखना एक ही वर्ड है, लेकिन ए साउंड है करके अबव द लाइन ए रे. अगर रो है डैश देने का, ये एयर हो गया एरे हो गया. अगर ईयर है तो थ्रू द लाइन, एयर है करके सेकेंड पेज, ये स्पेलिंग है लेकिन साउंड एयर. अरब इसमें देखिए, बिफोर आर सम साउंड इज देयर, सो डाउनवर्ड आर, एंड जॉइंट स्ट्रोक इज बी. अरब अटैक जैसा, बिफोर आर ऑल्सो है साउंड, आफ्टर आर ऑल्सो है साउंड, देन बी जॉइंट स्ट्रोक. अब रश के लिए, इन द बिगिनिंग बिफोर आर नथिंग इज देयर, नो साउंड्स, वॉवेल नहीं है, तभी अपवर्ड आर. रश हो गया, रश र आ गया. अगर रंग है तो सेम स्टाइल, अपवर्ड आर, आई एन जी लिखना है. पार इधर देखिए, यहाँ कहाँ है आफ्टर आर नथिंग इज देयर, पार पैर पैरी, प्रोनाउंसिएशन पैर है ना, अबो द लाइन रहेगा पैर. अगर आर के बाद वॉवेल है तो पैरी, अपवर्ड आर, बिकॉज आफ्टर आर इज साउंड इज देयर. शेयर है तो ऐसे तो आपको मालूम है डाउनवर्ड आर, आर के बाद क्या है ई स्पेलिंग है, लेकिन पढ़ना शेयर, इधर आएगा सेकंड प्लेस. शेयरी है तो आफ्टर आर वॉवेल इज देयर, सो अपवर्ड आर, शेयरी आफ्टर आर ई साउंड इज देयर. और कोर, कोर में आर के बाद ई स्पेलिंग है लेकिन साउंड नहीं है, कोर वो साउंड है. अभी हम के ओरिजिनल है करके ऑन द लाइन में लिख नहीं सकता है, यही जाएगा यहाँ, आर क्लोज होएगा यहाँ, ये कोर हो गया. के डाउनवर्ड आर, क्लियर से दिखता है, क्लियर से दिखने के लिए और एक बार लिखती हूँ. कोर
आर के बाद कुछ भी नहीं है, ये स्पेलिंग है, है? लिखने का टाइम क्या ऑटोमेटिकली हो गया, आर हो गया, कोर हो गया। अगर कार है तो अबोव द लाइन आएगा और फर्स्ट प्लेस वॉवल आएगा, कार। कार के लिए भी डाउनवर्ड आ रही है, करी, करी के लिए अपवर्ड, करी, करी, क मच साउंड है, री डबल आर है लेकिन लिखने का एक ही आर, अपवर्ड आर के बाद ई। रैली, रैली इज अबोव द लाइन, ये रैल हो गया, रैली हो गया, एल के बाद ई साउंड है। और रोजी, अभी रोज है तो आर ओ एस लिखता था, रोजी है करके ये रो हो गया, जी हो गया। ओनली रोज है तो यहाँ देना नहीं है, आफ्टर आर ओवल, ओवल है करके अपोल रो, अरोमा। अब आर में तो अबोव द लाइन डाउन ऑर्डर, आर कहे तो डाउन ऑर्डर, अरोमा है तो रोमा, अबोव द लाइन रोमा। बाद में रो साउंड आ गया लेकिन बिगिनिंग का साउंड इम्पोर्टेंट है। और कनी, ये और हो गया, और क नी, ये और हो गया, क हो गया, नी हो गया, है? नी दिखता है ना, क्लियर? और एक बार लिखो यहाँ, और कनी, एन है, ए एन है। आर केड, ये आर है, के है, डी है, आर केड, डी स्ट्रेट। मैरी, ये वर्ड मैरी, मैं आ गया और री आ गया, आफ्टर आर वोवेल आ गया। ये भी आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आर का यूज क्या है, कहाँ है मालूम पड़ेगा। मैरी हो गया, इतना वर्ड सिखाया, ये आप ईच वर्ड 10 लाइन करना ही चाहिए। देखिए अभी और साउंड है, लास्ट टाइम मैं एयर दिया था, अभी और आ गया, वो गो साउंड है, बिफोर आर वोवेल है, सो डाउनवर्ड आर, और समझा? आफ्टर आर नथिंग इज देयर, एयर है तो डॉट आएगा, और है तो डैश आएगा। बोर, ये भी आर के बाद ये स्पेलिंग है, साउंड नहीं है, वॉवेल नहीं है, बी आर, बी आर हो गया। अभी यहाँ डैश दिया तो क्या होगा, बोर। अभी रोज, आफ्टर आर वो साउंड इज देयर, बिगिनिंग नथिंग इज देयर, नो साउंड, और आफ्टर आर के बाद रोच, रोज ओ साउंड आ गया, देन चा। रंग के लिए आफ्टर आर आ गया, बिफोर आर नथिंग इज देयर, सो अपवर्ड आर, आई एन जी डार, आफ्टर आर डैश विल कम। अंग के लिए वोवेल का जरूरत नहीं है, ऑन द लाइन है करके सेकंड प्लेस दिया। अभी रोज दो बार हो गया, रोज इसको रोड कर देता है, इसको रोड कर देता है, रोज ऊपर लिखा है ना, रोड भी सिंपल वर्ड है लेकिन समझने के लिए ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए। रो ड हो गया। अब इसमें फ रो, फ के लिए आपको मालूम है कौन सा स्ट्रोक यूज करने का, एफ आ गया, रो के लिए अपर्ड आर, आफ्टर आर के बाद वोवेल है, प मच साउंड है, रो गो साउंड है, पर रो। अगर पर ही है तो ये जगह में वोवेल नहीं देने का, यहाँ देने का, आफ्टर आर आए करके अपर्ड आर। रे सी, रे बिगिनिंग में कुछ भी नहीं है, अपर्ड आर, से अरे हो गया, यस के बाद वोवेल है, अगर वोवेल नहीं है रेस होगा, आफ्टर एस डॉट दिया, रेसी हो गया। अब रेक के लिए स्पेलिंग देखेगा तो डब्ल्यू भी लिखने वाला है लेकिन साउंड इज रे, क रेक हो गया, पेन साउंड है। रोड, यहाँ भी डब्ल्यू नहीं आएगा, रो टी, रोड, रोट हो गया। अगर टी के बाद ई साउंड है तो डॉट देना चाहिए, ई स्पेलिंग है तो नहीं देना है। रद्दी, र आफ्टर आर इज देयर, डी, र डी आफ्टर आर, अ साउंड इज देयर, सो अपवर्ड आर, आफ्टर डी ई डॉट इज देयर। अगर रेड्डी है तो डैश का जगह में डॉट आएगा, रेड्डी सरनेम होता है ना, उसके लिए ए आएगा। अभी रोम, ये मैं बताया ने, ऑलवेज आगे एम है तो डाउनवर्ड आर लिखना है। पहले मैं क्या बोला, आफ्टर आर वोवेल है तो अपवर्ड आर,
अभी आफ्टर आ रही वोवेल आ गया और एम साउंड आ गया, बिफोर एम ऑलवेज डाउनवर्ड आ, रोम रूम इधर लिखता है, ये प्रैक्टिस भी कर सकता है सब इतने, ये रूम हो गया, ये इधर आएगा रूम, ये रोम हो गया, अगर रोमिंग गए तो सेम है, यहाँ तक सेम है, ये रोमिंग है, अगर रूम है तो इधर बताया मैंने, ये वर्ड्स नहीं किया तो भी इतना यहाँ तक लिखा है ना, ये आप प्रैक्टिस कर सकता है। फियर, अब इनिशियल में क्या साउंड आ गया, ई, सो एफ इज थ्रू द लैंड, आर इज डाउनवर्ड आर, बिकॉज आफ्टर आर नथिंग इज देयर, नो स्पेलिंग नो साउंड, फियर, अगर फेरी है तो एफ अपवर्ड आर, वो वर्ड्स दिया है मैं, और इतना वर्ड्स आप 10-10 लाइन करना ही चाहिए। आज मैंने सिर्फ आर का बताया, डाउनवर्ड आर अपवर्ड आर, और एच भी दो है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वर्ड्स मैंने आपको खुद लिखने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ मैं शॉर्ट हैंड में नहीं लिखूंगी, सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, वो आपने ट्राई करके लिखना चाहिए, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन, वो सब आप अच्छे से सोच के लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें सब मिक्स है, सी सॉ सॉ, अगर मैं अभी भी शॉर्ट हैंड में लिख के दिया, आपने प्रैक्टिस किया नहीं किया नहीं समझेगा, इसके लिए आप यहाँ जगह रख के इधर शॉर्ट हैंड में लिखे है, बाद में मैंने जो होमवर्क दिया था ना पहला, वो सब चॉइस कर ढूंढ के आप चेकिंग भी कर सकते हैं, अगर चेक करने के बाद कोई भी मिस्टेक्स आ गया, जो वर्ड मिस्टेक हो गया वो वर्ड दो लाइन प्रैक्टिस करना चाहिए। ये छोटा सा होमवर्क है, ज़्यादा नहीं दिया, ऐसे ही मैं डेली 10-10 वर्ड्स दूंगी, समझ में आया, क्योंकि आप प्रैक्टिस अच्छा से किया है तो आपको बुक में कॉपी करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, टुडे वी हैव कंप्लीटेड अल्टरनेटिव साइन फॉर आर, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग अल्टरनेटिव साइन फॉर एच। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस वीडियो प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।